प्रथम तहलका न्यूज। नगर निगम कार्यालय में नगर निगम कमिश्नर और अन्य अधिकारियों से बात करते दिखाई दे रहे ये हरियाणा के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा हैं, जिन्होंने नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों के साथ चर्चा की। मुलाकात खत्म करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने आने वाली गर्मी को लेकर लोगों को सुचारू रूप से पीने का पानी उपलब्ध हो, इस पर चर्चा की। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी होली के कार्यक्रमों को कोरोना वायरस के चलते रद्द कर दिया है, उसी को देखते हुए उन्होंने भी अपने सभी होली के प्रोग्राम स्थगित कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए, जितना संभव हो सके वो होली खेलने से बचें। शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस को लेकर सरकार गंभीर है, फिर भी लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। इस मौके पर मंत्री ने निगम में अपनी समस्याओं को लेकर आए लोगों से बात कर उनकी समस्याओं को भी निपटाने के लिए अधिकारियों को आदेश दिए। नगर निगम हमारे शहर का, आम आदमी का निगम से काम पड़ता है, पानी का, सीवर का, सड़क का। और मैं आता रहा हूं MLA, जब बतौर MLA था, जब भी मैं निगम के इस कार्यालय में, और मैं कमी साहब ने फिर भी कहा था मैं रेस्ट हाउस मान लेता हूँ। मैं कि जनता का काम है, लोगों का काम है, मैं आपके कार्यालय में आऊँगा, ये जनता का ऑफिस है, जनता का कार्यालय है, और यहीं बैठ के सभी अधिकारी मिलेंगे। एक एक अधिकारी लाएंगे तो एक घंटा समय लगेगा, आने में जाने में समय खराब होगा। और बल्लड़ विधानसभा जो भी शहर की अपने हिसाब से उन पर हमने चर्चा की। अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए आए हैं सभी? नहीं, मैं पूरे उसकी बात करिए, पूरे अपने निगम की बात करिए, पूरे उसकी बात करिए, वार्डों की बात करिए, अपने शहर के मान लो जो भी शहर की समस्याओं के बारे में बात करिए। नहीं, उसको लिए क्या है कि साफ सफाई, होली मिलन, जिस तरह के जो माहौल है, जो फंक्शन है, इनको थोड़ा बचना चाहिए। ये पर्व है, हमारा त्यौहार है होली, तो इस पर भी क्या है कि लोगों को दूर बचना चाहिए, अपने को सेफ रखना चाहिए, जनता के बीच के दरबार में दूर रहना चाहिए। इन सब समस्या है, सबसे थोड़ा कुछ समय के लिए मोदी जी ने कहा है भी होली में पे सभी साथी थोड़ा बच कर रहे, सब साफ सफाई पे ध्यान रखें। वहीं मूलचंद शर्मा से जब पूछा गया कि कांग्रेस के विधायक ललित नागर के घर पर पिछले 58 घंटों से इनकम टैक्स की रेड चल रही है, तो उन्होंने कहा कि ललित नागर से किसी को कोई जातीय दुश्मनी नहीं है, और अब तो विधानसभा के चुनाव भी बीत चुके हैं, डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है, और सभी को पता है कि ललित नागर के तार रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हुए हैं। नहीं, ललित नागर का कोई, ललित नागर MLA का चुनाव हो चुका, कोई चुनाव होने बाकी नहीं है, कोई चुनाव है। ललित जी कोई 2 महीना बाद चुनाव हो, 6 महीने, चुनाव तो है नहीं, चुनाव भी पूरे हो चुके हैं, चुनाव भी 3 महीना हुए हैं, और ललित नागर से किसी की जाति का दुश्मनी भी नहीं है। पर जो पूर्व के सरकार में जो मुख्यमंत्री है, उस पर जो ज़मीन का जो घोटाला है, जो अपना देश के परिवार का राजघराना है, उस पर मामला है, रॉबर्ट वाड्रा का मामला, उस पर एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया काम करेगी, जो प्रक्रिया है चाहे छोटा हो बड़ा, उस पर प्रथम तहलका के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट।